हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोरसेशी कैंपस। आज एक बहुत ही बोरिंग टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स को लेकर के। तो आज जो वर्ड्स हैं उनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस समय, क्योंकि जो इस समय हर कोई बात कर रहा है कि कोरोना के ख़त्म होने के बाद अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इकोनॉमी कैसी होगी, तो उस इकोनॉमी कैसी होगी उसको लेकर के कुछ वर्ड्स हैं आपके पास जो यहाँ पर बोर्ड पे लिस्टेड है। देखते हैं जरा वन बाई वन कुछ वर्ड्स। हालांकि ये वर्ड्स जो है वो इकोनॉमिक से इकोनॉमिक्स के हैं और इकोनॉमिक से संबंध रखते हैं, लेकिन इन शब्द का जनरल कॉमन जो पीपल है उसको भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर देखें यहां पर जो पहला वर्ड आपके पास है वो लिखा हुआ है इन्फ्लेशन। तो जब आप बात करेंगे इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन मीन्स होता है प्राइस राइज, यानी कि मूल्यों जो मूल्य होते हैं किसी भी चीज के, कोई जो पदार्थ है, जो कोई वस्तु है, उसके प्राइस में जब राइज होता है, उसका जो वैल्यू है, प्राइस वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब जितने की वो चीज है वो उससे ज्यादा में अगर बिक रही है, अगर ऐसा सिनेरियो आना शुरू हो जाता है तो उस केस में हम इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अगर आपके पास ये पेन है और हमें इस पेन को सेल आउट करना है, और ये जो पेन है इसे एक्चुअल कीमत 10 रुपीज है, लेकिन मेरे पास 3 खरीदार हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने और तीनों में अंदर में कंपटीशन हो गया तीनों के साथ में, और तीनों में से एक कह रहा है कि मैं 20 दूंगा, एक कह रहा है मैं 25 दूंगा, एक कह रहा है कि मैं 30 दूंगा, तो जाहिर सी बात है इस मार्कर को मैं 30 रुपए में बेचूंगा, और अगर मैं इसको 30 रुपए में मार्कर को बेचता हूं तो इसकी जो एक्चुअल कीमत जो 10 रुपए की थी वो अब कितने पे हो गई, 30 रुपए की। तो इस तरह से जो एक्चुअल कीमत है, जो एक्चुअल प्राइस है, उससे वैल्यू में जो इंक्रीज होता है, प्राइस में जो इंक्रीज हो जाती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। कुछ मायनों में इन्फ्लेशन अच्छा भी होता है, जो है कुछ इन्फ्लेशन होता रहना चाहिए, ऐसा इकोनॉमिस्ट का मानना है कि कुछ इन्फ्लेशन लगातार होते रहना चाहिए। इन्फ्लेशन अगर नहीं होगा तो चीजें प्रॉब्लम में आ जाएगी, अर्थव्यवस्था समस्या में आ जाएगी। तो इन्फ्लेशन एक अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ लिमिट में, तो वो आपका इन्फ्लेशन होता है। दूसरा वर्ड देखें आपके पास कौन सा वर्ड है, दैट इज योर स्टैग्नेशन। तो जब आप बात करते हो स्टैग्नेशन की, तो एक्चुअल में इंग्लिश में स्टैग्नेशन वर्ड का मतलब होता है स्थिरता, यानी कोई चीज एक पॉइंट पे आकर के स्थिर हो जाए अगर, तो कहते हैं वो स्टैग्नेट हो गई है। तो स्टैग्नेशन मतलब अर्थव्यवस्था की वो स्थिति है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, 2-3% का मुश्किल से ग्रोथ है, और उसी ग्रोथ पे वो चीज लगातार अर्थव्यवस्था चल रही है, ना उसमें कोई बूम आ रहा है ना वो लो जा रही है, वो पर्टिकुलर एक ही पॉइंट के साथ में अर्थव्यवस्था चल रही है, तो उसको स्टैग्नेशन बोलते हैं। स्टैग्नेशन में अनएम्प्लॉयमेंट धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो जाता है और कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो स्टैग्नेशन में हो ये रहा है कि डिमांड है नहीं, और डिमांड नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। हाँ, बस जितना एक ग्रोथ रेट है कि मतलब नॉर्मल चीजों का जितना प्राइस वैल्यू बढ़ना चाहिए बस उतना ही हो रहा है, लेकिन कोई बूम नहीं है, कोई अर्थव्यवस्था ऐसी बहुत तेजी से जो है उन्नति पे नहीं है, एकदम हल्के से बस एक नॉर्मल एक स्पीड से चल रही है। तो उसके लिए जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारे पास स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन बहुत लंबे समय के लिए खराब माना जाता है। कुछ समय के लिए स्टैग्नेशन हो सकता है कि चलिए 4-6 महीने के लिए स्टैग्नेशन हो सकता है कि हाँ एक स्थिति चल रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था को लगातार बढ़ते रहना चाहिए, तो लंबे समय तक स्टैग्नेशन की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट वर्ड देखें आपके पास दिया हुआ स्टैगफ्लेशन। जब आप बात करते हो स्टैगफ्लेशन की, जो स्टैगफ्लेशन है वो स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन दोनों को जोड़ के निकाला गया है। स्टैगफ्लेशन इज द वर्ड दैट इज कंबाइंड विद इन्फ्लेशन एंड कंबाइंड विद व्हाट, स्टैग्नेशन। यानी स्टैगफ्लेशन और इन्फ्लेशन, ध्यान दें स्टैग भी आ गया मतलब कुछ स्थिर भी है, और इन्फ्लेशन यानी कि अब की बार इन्फ्लेशन स्थिर हो गया, यानी कहने का मतलब यह है कि इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ने की जो उसकी गति है वो बढ़ती चली जा रही है। इन्फ्लेशन जितना होना चाहिए उससे कई गुना ऊपर चलता चला जा रहा है, और वो स्थिरता के साथ में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसी के साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोग भी जो है वो अनएम्प्लॉयड होते चले जा रहे हैं, बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। तो एक तो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगारी है, और वहीं दूसरी ओर पैसों की लगातार उन्नति है, यानी कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, और दोनों चीजों की एक खतरनाक जो स्थिति है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और अगर ऐसा होगा तो लोगों का जो पैसा है उसकी वैल्यू लगातार घटती जाएगी और एक टाइम के बाद स्टॉक मार्केट और बाकी चीजें क्रैश होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट देखें तो वर्ड आपके पास क्या दिया हुआ है, डिफ्लेशन। ये जो फिनोमिना है वो इन्फ्लेशन का अपोजिट है। इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, डिफ्लेशन हो गया। डिफ्लेशन में क्या होगा कि जो चीजें हैं उनका वैल्यू, पैसे की जो वैल्यू है वो, पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी, पैसा जो है वो कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि ये एक पेन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पेन है, मार्कर है, जो भी समझ लीजिए, तो ये जो वस्तु है इसका जो एक्चुअल कीमत था 10 रुपए था और मैं इसको बेचना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास जो 3 खरीदार है उनमें से किसी के पास इतना पैसा ही नहीं है, किसी के पास 5 रुपए, किसी के पास 6 रुपए, किसी के पास 7 रुपए, तो और उसमें भी आदमी सोच रहा है कि इतना कम पैसा है तो मैं जो है ना इसको 4 रुपए में ही खरीद लूं, तो ऐसे किसी स्थिति में मुझे घाटे में सौदा करना पड़ेगा इसको बेचने के लिए, तो जो 10 रुपए इसकी वैल्यू थी वो घट गई, वो 4 रुपए हो गई, तो इस वजह से 6 रुपए का मुझे घाटा सहना पड़ा। तो क्या हुआ कि इस मार्कर का जो प्राइस था उसमें कमी आया, तो जो इस तरह से प्राइस में कमी आती है चीजों के उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेफ्लेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दो बातें मैं आपको समझाता हूं, जो पैसा होता है उसका मूल्य यानी कि द वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होती है। इन्फ्लेशन में जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब ज्यादा पैसा होगा कम चीज ले पाएंगे, और डिफ्लेशन में जो वैल्यू ऑफ मनी है वो इंक्रीज होती है, यानी कि पैसा अगर कम भी है तो भी आप ज्यादा चीजें खरीद सकते हो। तो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन हम ये कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए डिफ्लेशन अच्छी चीज है। डिफ्लेशन आने से जो एक्चुअल कीमत है चीजों की वो धीमे धीमे मिलने लगती है, डिफ्लेशन जो है, लेकिन कुछ समय के लिए। अगर ये डिफ्लेशन लंबा हो जाएगा तो वो चीज खतरनाक हो जाएगी अर्थव्यवस्था के लिए, जिसको आगे चल करके हम लोग रिसेशन के नाम से जानते हैं। यानी ये वही डिफ्लेशन है जो कि जब डिफ्लेशन लंबे समय तक चलने लगेगा, तो जब लंबे समय तक चलने लगेगा तो स्थिति फिर से एक बार कैसी हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास अब पैसा नहीं है, लोगों ने सामान खरीदना बंद कर दिया, बिजनेस होना बंद हो जाएंगे, पैसा है ही नहीं लोगों के पास में, तो आप कोई खर्च भी करना होगा तो भी हाथ में रुक जाएगा कि जितना पैसा उसको बचा के रख करो, खर्च मत करो, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में सब खर्च किया जाएगा। तो ऐसी किसी परिस्थिति में जो डिफ्लेशन है वो धीमे धीमे लंबा होता चला जाएगा, और जब वो लंबा होता चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रिसेशन हो जाएगा। अगेन यहां पर देखिए ध्यान देना है, क्या बातें ध्यान देनी है कि एक तो जो पैसा है वो लोगों के पास कम हो गया है, पैसे की कमी हो गई है, प्राइस की जो चीजों के जो प्राइस वैल्यू है वो कम हो गई है, और इसके साथ साथ में दूसरी बात अगर देखें तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट फिर से एक बार आ गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आ गया, क्योंकि अब लोगों के पास पैसा नहीं तो पैसा वो दे क्यों, और जब पैसा कोई देगा नहीं तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगा। तो अगेन अब की बार क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर भी आ गया, यानी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर भी है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर भी है, स्टैग्नेशन और रिसेशन। स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, दोनों चीजें, यानी कि पैसा और बेरोजगारी, दोनों चीजों की बात होगी यहाँ पे। इसके बाद देखिए रिसेशन से भी जो खतरनाक सिचुएशन है वो आपका डिप्रेशन है। डिप्रेशन जो है वो रिसेशन से भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। जब रिसेशन लंबा होने लगता है, 2 साल का 3 साल का लंबे समय तक रिसेशन होने लगता है, तो उस केस में जो है वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो खड़बड़ाने लगती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जो है वो रिसेशन का एक फॉर्म है, या इसे हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम रिसेशन। तो एक लंबे समय के लिए रिसेशन का आना क्या कहलाएगा, डिप्रेशन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ आपके पास, ग्रेट डिप्रेशन। ये ग्रेट डिप्रेशन वर्ड आता है एक दशक, यानी कि लगभग दसियों साल तक, 1924 अक्टूबर, ये सब वो दौर रहे हैं जहां पर स्टॉक मार्केट पूरी तरह से अमेरिका की क्रैश हो गई, और उसके बाद से दसियों साल तक लगभग जो है वो लोगों का बहुत ही लोग परेशानी में रहे। तो वो जो 10 साल तक लगातार डिप्रेशन बना रहा उसको हम लोगों ने ग्रेट डिप्रेशन नाम दिया। तो यहां पर ध्यान दें कि ग्रेट डिप्रेशन अभी तक की बात करेंगे तो ऐसी काउंटिंग जनरल मानी गई है कि ग्रेट डिप्रेशन अभी तक सिर्फ एक ही बार आया है, लेकिन जो डिप्रेशन है वो अभी तक 33 बार आ चुका है। तो डिप्रेशन आता जाता रहता है, रिसेशन भी आता जाता रहता है, लेकिन जो ग्रेट डिप्रेशन है वो अभी तक एक ही बार आया है। तो उम्मीद करते हैं कि कोरोना के बाद भी ग्रेट डिप्रेशन तक का हम लोग शिकार ना हो, डिप्रेशन का शिकार ना हो। हाँ, लेकिन रिसेशन आना तय है, ऐसा कई लोग मान रहे हैं। आगे देखें, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके पास, दैट इज योर परचेसिंग पावर। तो जब आप बात करते हो परचेसिंग पावर की, तो क्या है परचेसिंग पावर?
परचेसिंग का मतलब होता है खरीदना, और परचेसिंग पावर का मतलब हो गया खरीदने की शक्ति, यानी कि परचेसिंग पावर, यानी हर एक आदमी कुछ पैसे कमाता है और वो पैसे को खर्च करता है, तो हर आदमी के पैसे खर्च करने की जो जो क्षमता है उसकी, उसे स्पेंडिंग बोलेंगे, और जो परचेज मतलब खरीदना, तो जो खरीदने की उसकी क्षमता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेजिंग बोलेंगे। तो क्या ध्यान देना, परचेज मतलब होता है खरीदना, बाय करना, तो खरीदने की जो उसकी क्षमता है, खर्च करने की क्षमता नहीं, खरीदने की चीजों को खरीदने की। अब जाहिर सी बात है ये दोनों चीजें यहां पर वैसे वर्षा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि खर्च करने पे हम आ जाए तो हम सब कुछ खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम कितना वो पैसा खर्च कर सकते हैं कि जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पे कोई फर्क ना पड़े, हमारी पर्सनल हमारी इंडिविजुअल अर्थव्यवस्था पे फर्क ना पड़े, वो होती है हमारी परचेसिंग पावर। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं एक बाइक से चल सकता हूँ तो मैं कार के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरी परचेसिंग पावर जो है वो बाइक तक ही है, वो कार तक नहीं है। तो इस तरह से जो लोगों की जो होते हैं किसी भी कंट्री में जो लोग होते हैं उनकी परचेजिंग पावर जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ता चला जाता है, पैसे का जो जो मूवमेंट है वो बढ़ता चला जाता है। तो परचेजिंग पावर का अच्छा होना अच्छी बात होती है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखें दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके पास, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्पेलिंग का चेंज देखिए, एम आई है और एम ए है, तो माइक्रो और मैक्रो दो वर्ड है आपके पास। माइक्रो मींस होता है छोटा, यानी कि जब हम बात करते हैं छोटी अर्थव्यवस्था के, यानी कि छोटे प्लेसेस की जब हम बात करते हैं, जब हम ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे जो विशेष तौर पर एक परिवार तक सीमित है, एक कंपनी तक सीमित है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हम एनालिसिस करते हैं तो वो हमारा कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब दूसरी बात देखें तो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो मतलब वही चीज बड़े स्तर पे आ जाएगी, यानी देश की अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। स्टेट की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो कि आपको जानना जरूरी है इस समय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है और कॉमन पीपल किस तरह से जी रहा है, कॉमन मैन के बारे में भी आपका जानना जरूरी है और उसके संबंधित अर्थव्यवस्था के शब्द भी। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।